हाय, आज ये कार में आप जो ये डेंट देख रहे हो, आज हम इस डेंट को निकालेंगे, वो भी बिना पेंट को खराब किए, बिना पेंट को डैमेज किए। इस डेंट को कैसे निकाला जाता है वो आज हम देखते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे हॉट ग्लू गन का इस्तेमाल करेंगे और मैंने यहाँ पे इसका जो डेंट रिमूवर जो पुलर रहता है वो मैंने यहाँ पे खुद से बनाया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पे हम हॉट ग्लू गन का जो ये ग्लू रहता है उसको हम यहाँ पे स्टिक करेंगे। हॉट ग्लू गन जब यहाँ पे अच्छे से तरीके से ठंडा हो जाएगा और यहाँ पे चिपक जाएगा तो हम इसे पुल करके जो डेंट है वो बाहर निकालेंगे। इसी तरीके से हम तीन चार जगह पे पुलर को है जो ऐड कर लगा देंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मैंने यहाँ पे चार जगह पे कूलर का ये जो है लगाया है। अब ये ठंडा हो चुका है, अब हम इस कूलर की मदद से इस डेंट को बाहर निकालेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा हल्का सा बाहर आ चुका है। इसी तरह से हम सभी जगह पे से थोड़ा थोड़ा डेंट निकालेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ऊपर की साइड में जो डेंट था वो पूरा निकल चुका है। अब यहाँ पे हल्का सा एक डेंट बचा है, इसके लिए हम यहाँ पे फिर से एक ग्लू स्टिक का ये जो है वो मैंने बनाया वो यहाँ पे चिपकाएंगे और यहाँ से भी डेंट थोड़ा है वो बाहर निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पे भी एक और एक बार हम ग्लू स्टिक लगा देते हैं। इसे डेंट खुद से निकालना है और अगर आपके पास ये पुलर नहीं है तो आपका ये जो हॉट ग्लू गन का जो ग्लू स्टिक होता है, चार पांच स्टिक्स लेके भी आप इसको गर्म करके पिघला के आगे से लाइटर से या फिर माचिस से किसी से भी, और उसको आप ऐसा स्टिक करके भी ठंडा होने के बाद उसको डायरेक्ट हाथ से भी पुल कर सकते हो। अरे अगर इनकेस अगर आपको ये कूलर खरीदना भी है तो ऑनलाइन पे किसी भी वेबसाइट पे मिल जाएगा, मैंने तो ये खुद से बना के लिए है। तो चलिए दोस्तों हम इसको भी पुल अप करते हैं। ये वाला भी ठंडा हो चुका है और इसको भी हम कूलर की हेल्प से बाहर निकाल देंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पूरा डेंट निकल चुका है। यहाँ पे अभी भी हल्का स्पॉट दिख रहा है मुझे, तो मैं और एक बार यहाँ पे ग्लू गन लगा के यहाँ का भी डेंट निकाल दूंगा। और ये जो आप दाग देख रहे हो इसका टेंशन मत लीजिए, दाग साबुन पानी से अगर आप धोएंगे तो ये दाग भी निकल जाएंगे, ये सिर्फ ग्लू गन का निशान रहेगा। तो चलिए दोस्तों आप फाइनल टचअप करते हैं, यहाँ पे जो थोड़ा डेंट बचा था वो निकाल लेते हैं। दोस्तों ये डेंट निकलने के टाइम पे थोड़ा ध्यान रखना कि अगर ज़्यादा अगर आप पुल कर देंगे तो ये डेंट थोड़ा पतरा जो है वो बाहर भी आ सकते हैं, तो लेवल देख के ही पुल करना है आपको। जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो डेंट था वो पूरी तरीके से निकल चुका है और यहाँ पे हमने इसमें हमारा पेंट को भी कुछ नुकसान नहीं हुआ है। और यही चीज़ अगर आप किसी वर्कशॉप में जाके करवाते हो तो आपको बोलेगा कि डेंट के साथ आपको पेंट भी करना पड़ेगा, जिसका कॉस्टिंग आपको 3,500 से 4,000 तक हो सकता है। आप उसको बोलो कि ये मेथड यूज़ करें और आपका 300 से 400 रुपये में काम हो सकता है। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो से कुछ भी वैल्यूएबल थिंग मिली हो तो मेरा ये वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।